पहले दो शब्द पत्रकारों को संबोधित करें और फिर आगे की कार्रवाई करें। लखनऊ की पावन धरती पर आपने मेरा स्वागत किया आनंद जी, धन्यवाद। ये धरती हमारी भी है, जितनी आप सभी की है, देश की है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत प्यार से आप यहां आए हैं। मेरे साथ गौरी शंकर विधवा जी है, किसान रक्षा पार्टी के, अजय खन्ना भारतीय जनता पार्टी, ठाकुर अनिल सिंह हमारे राज्य प्रमुख जी, हमारे पवन मिश्रा जी भी है, गुलाब दुबे जी, आनंद दुबे जी, विक्रम प्रताप सिंह जी, कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह, कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह जी भी है मेरे साथ, संदीप गिड्डे पाटिल है, करणी सेना और अवध की स्त्री सेना के नेता भी यहाँ उपस्थित है। लखनऊ में हमारे उम्मीदवार गौरव वर्मा जी है। आपको सबको मैं बताना चाहता हूं, पांच राज्यों में चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहां के चुनाव और यहां के नतीजे देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या होती है उसका निर्णय देती है। इसलिए पूरा देश उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उस तरफ ध्यान देकर देख रहा है। मैं यहां आया हूं मेरे पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 400 से भी ज्यादा विधानसभा वाली ये देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहां से प्रधानमंत्री जाते हैं। शिवसेना ने इस बार 50 या 60 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। अब तक जितने भी चरण हुए हैं उसमें हमारे 20 उम्मीदवार लगभग है और आने वाले 5, 6 और 7वें चरणों में फेस में हमारे 30 उम्मीदवार खड़े रहेंगे। 400 विधानसभा वाली इस राज्य में 50-60 उम्मीदवार एक कोई बड़ी संख्या नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन ये सभी उम्मीदवार बहुत ही गंभीरता से लड़ेंगे। पार्टी का विस्तार करने के लिए हमारा कदम है। अब हमारे पूरी जो राज्य की कार्यकारिणी थी उनके साथ हम बैठे थे। हमारा किसी बड़े पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ है, ये सही है, लेकिन जैसे मेरे साथ किसान रक्षा पार्टी के सर्वे सर्वा बैठे हैं विधवा जी, हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और भी छोटे छोटे दल हैं, करणी सेना है, अवध केसरी सेना है, हर एरिया में जितनी जिसकी ताकत है उनके साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बार बताना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे। उत्तर प्रदेश में हम 15 या 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और हमारे पार्टी ने यह निर्णय लिया है, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया है, महाराष्ट्र के बाहर हम इस बार 100 के आसपास सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के बाहर पहली बार हमने लोकसभा में खाता भी खोल दिया है। दादरा नगर हवेली का चुनाव हो गया, जो केंद्र शासित प्रदेश है,
गुजरात से सटा हुआ प्रदेश है, बीजेपी का गढ़ माना जाता था। इस बार वो लोकसभा सीट शिवसेना ने भारी बहुमत से, भारी मतों से जीत ली है और हम दक्षिण गुजरात की तरफ आगे जाकर चुनाव लड़ने का हमारा प्रयत्न चल रहा है। पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। उत्तर प्रदेश का माहौल आप सब जानते हो, कल ओबीसी साहब पर भी हमला हुआ, हमने निंदा की है। यहां कानून के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बोला जाता है, माफिया राज खत्म हो गया इस राज में, इस प्रकार की बातें की गई, अच्छी बात है। हम मुख्यमंत्री जी का आदर करते हैं, बाबा जी हमारे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता यहां आते हैं और उसके ऊपर पांच राउंड गोली चलाई जाती है। उसका मतलब क्या है? इस राज्य में, इस प्रदेश में और देश में बहुत से प्रश्न हैं। किसानों के प्रश्न है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया है, इसलिए हमारे साथ किसान रक्षा पार्टी के नेता बैठे हैं। तो हम चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव 2024 का परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। जो भी नतीजे आएंगे वो 2024 को की लोकसभा को प्रभावित करेंगे। बोलिए। मैं पहले मेरे जो साथ बैठे हैं किसान रक्षा पार्टी के नेता गौरी शंकर विद्वाजी को उनकी बात